यहाँ की महिलाओं ने कभी भी स्ट्रॉबेरी नहीं खाई है क्योंकि उन्हें लाल रंग से बहुत ज्यादा डर लगता है। और इसके अलावा जमीन पर उगने वाले लाल फूल को भी तुरंत उखाड़ के जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। यहाँ के लोग कभी भी गाँव को छोड़कर नहीं जा सकते हैं क्योंकि ऐसा करना उनके लिए खतरनाक है। दरअसल गाँव के चारों ओर जंगल में खतरनाक राक्षस रहते हैं और कुछ साल पहले पूर्वजों ने राक्षसों से समझौता किया था जिसके तहत राक्षस उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे जब तक कि गाँव वाले जंगल में कदम न रखते। लेकिन लुकस नाम के इस पागल लड़के ने वो समझौता तोड़ दिया। वो जंगल के अंदर से लाल कलर के फल ले आया था। अब रात को एक लड़के ने आसपास अजीब सी आवाजें सुनी और जब वो नीचे देखता है तो लाल राक्षस गांव के अंदर जा रहा होता है, जिसके बाद वो घंटी बजाकर सबको सूचित कर देता है। गांव वाले घंटी सुनकर छुपने लग जाते हैं। इधर सेम गांव वालों की मदद करने लग जाता है, लेकिन अब राक्षस गांव के अंदर घुस चुका था और इधर केवल आईवी ही सेम के घर आने का इंतजार कर रही थी क्योंकि वो एक अंधी लड़की थी इसलिए उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वहां पर राक्षस की दहाड़ सुनकर वो डर जाती है। राक्षस के उस पर झपटने से पहले ही सेम उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। पार्ट 2 के लिए लाइक और कमेंट करें।